नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से 3 महीने पहले अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर भले ही सबको चौंका दिया हो, इस सूची के जारी होने के बाद पार्टी में विरोध के सुर सुनाई देना शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में गोहद विधानसभा सीट से लाल सिंह आर्य को उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन उनका विरोध शुरू हो गया है। विधानसभा क्षेत्र के रूपाबाई गांव के मतदाताओं के लिए एक बड़े वर्ग ने पार्टी को वोट देने की कसम खाई है। वहीं एनो गांव में रहने वाले सिंधिया फैंस क्लब ने अध्यक्ष भीम सिंह गुर्जर ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने खून से चिट्ठी लिखी है। उन्होंने यह चिट्ठी बुधवार को ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके निवास जय विलास पैलेस में सौंपी। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि हमें रणवीर जाटव चाहिए। बता दें, बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची में रणवीर जाटव की जगह लाल सिंह को टिकट दिया गया है। पत्र में लिखा है कि सादर प्रणाम महाराज साहब, रणवीर जाटव को टिकट नहीं दिया। कार्यकर्ताओं का भविष्य खतरे में है, उन्हें पार्टी को खून पसीने से सींचा है। पत्र में लिखा गया, अन्याय नहीं न्याय चाहिए। महाराज साहब रणवीर चाहिए। अंत में नीचे आई लव यू महाराज लिखा गया। यह पत्र सामने आने के बाद गोहद में कांग्रेस से बीजेपी में आए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में असंतोष देखने को मिल रहा है। ये कार्यकर्ता अपने चहेत उम्मीदवार को टिकट ना मिलने से निराश भी नजर आ रहे हैं। इस तरह की असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यकारिणी पदाधिकारी में चिंता जाहिर किया जाना लाजमी है। तो देखा जा रहा है कि एमपी में चुनाव से पहले ही कितनी उथल पुथल देखने को मिल रही है, और अब तो यहाँ बीजेपी के लोग ही बीजेपी की उम्मीदवारों के खिलाफ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।